समय की लाख वेलकम चैनल टू माई वेलकम सो हाई गाइज व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक जेके एडिटिंग तो अगेन वीडियो के साथ आज हम नवरात्रि स्पेशल वीडियो एडिट करेंगे अलाइट मोशन ऐप से तो मैं आपके लिए एक न्यू इफेक्ट लाया हूँ इस इफेक्ट के अंदर आप बहुत ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो मेटेरियल होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेटेरियल पर पासवर्ड हो गए तो आपको वो मिल जाएंगे इस वीडियो में और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो आप ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आप आसानी से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो एडिटिंग में या फिर तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो यहाँ पर कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि पासवर्ड वीडियो देखते नहीं और कहते हैं कि पासवर्ड गलत है तो आप पहले वीडियो को देख लो और उसके बाद आपको पासवर्ड ज़रूर मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन है उसको ओपन कर लेना है तो यहाँ से मैं अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर अलाइट मोशन ऐप ओपन हो गया उसके बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइज सिलेक्ट करनी एक असर अस्सी तेवीस सौ चालीस उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है इतना करने के बाद अपना जो भी कोई भी ऑडियो हो तो उसको हम ऐड करेंगे उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना और अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस वाले फ़ोटो को वीडियो को सिलेक्ट करूँगा इसका ऑडियो हमें एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है और वीडियो को डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर लेना डिलीट करने के बाद में यहाँ पर जो अपना ऑडियो इतना हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपना जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को ऐड करना है तो जैसे कि जिस फोटो को आप रखना चाहो बैकग्राउंड में उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो बैकग्राउंड में हम रखना चाहते हैं तो फिलहाल मैं इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कम्पोजिशन एरिया और अपने इस फोटो की ड्यूरेशन को हम एंड तक कर लेंगे एंड तक करने के बाद ही यहाँ पर आपको फिर से फ़ोटो पर क्लिक करना है इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और गोश्न ब्लर को सेलेक्ट कर देंगे गोसिन बलर को हम इतना बढ़ा लेंगे फिर से हम फोटो पर क्लिक करेंगे मोहन ट्रांसफर थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साइज को और बढ़ा लेंगे का क्योंकि ऊपर वो वाइट शाइडो नहीं आए इसलिए इसके बाद हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इफेक्ट वाइज जैके एडिटिंग लिखा होगा तो उस इफेक्ट को हम बैक चलाएंगे अपना अलाइट मोशन में और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप नंबर थ्री पर क्लिक करना आपको और यहाँ पर इसको प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है क्लीयर करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है तो यहाँ पर हो गया उसके बाद फिर से बैक चलाएँगे फिर से इफेक्ट बैग जाके एडिटिंग पे क्लिक करेंगे और ग्रुप नंबर छः पे क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर देंगे तो कॉपी लेयर होने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना दोबारा अपने को और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर लेना है तो पेस्ट हो गया फिर से हम इसकी ड्यूरेशन को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं आपको क्या है कि जॉब नहीं वी वीडियो इसका लिरिक्स है वो आपको टेक्स्ट है वो आपको पहले इसके अंदर ग्रुप थ्री और ग्रुप सिक्स के अंदर टाइप कर लेना है तो आपको वो सॉन्ग टाइप कर लेना मैंने पहले से किया अभी नहीं करूँगा क्योंकि अपना वीडियो लंबा नहीं बन जाए इसलिए तो यहाँ पर हो गए उसके बाद हम फिर से बैग चलेगे फिर से बैग आने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप एक और ग्रुप एन मास्क इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे तो इन दोनों को टैप करके प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर देंगे कॉपी क्लियर करने के बाद में यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर अपना जो भी न्यू प्रोजेक्ट है इन पर प्लस पे क्लिक करने के बाद पेस्ट लेयर कर देना है तो इनको एंड तक कर लेना फिलहाल मैं आपको इतने में समझा दूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको इतना तक कर लेता हूँ और इस वाले फ़ोटो को हम इतना कर लेंगे इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप थ्री पे क्लिक करना है ग्रुप थ्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रोलिंग करते हैं और एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है एडिट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने को मिल जाएगा जो आपको जैसे अपना लिरिक्स टाइप करना है तो इससे यहाँ पर इस पर क्लिक करना है ग्रुप पे पर और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी है टाइप कर लेना है और वो कलर को वाइट कर लेना कलर को वाइट करने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करके एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे जो भी अपना रखना चाहते हैं वहाँ पर उस फोटो को सिलेक्ट करना है तो फिलहाल मैं जैसे कि इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक मोर ट्रांसफर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और साइज़ को घटा लेंगे साइज़ को घटाने के बाद यहाँ पर फिर से हम साइज़ को घटाएंगे और तो यहाँ पर साइज़ को हो गया उसके बाद इसकी ड्यूरेशन एंड तक कर लेते हैं एंड तक करने के बाद फिर से हम फोटो को स्वाइप करके नीचे की तरफ ले आएंगे नीचे की तरफ ले आने के बाद प्लस पर पे क्लिक करके ये वाला शेप है जो इसको सेलेक्ट करेंगे मोर ट्रांसफर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और हम इसको इतना बढ़ा लेंगे फिर से हम हाइट और इसको थोड़े से हाइट को कटाएँगे तो यहाँ पर इतना अपने को कर लेना है इस सिलेक्ट एंगल पर क्लिक करना इसको एंड तक कर लेना है फिर से आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना फोटो और इस शेप को और बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर की तरफ होगा इनको दोनों को मर्ज कर लेंगे यहाँ पर फिर से इस ग्रुप पे क्लिक करना बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करना एंड सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना शेडो को निर्भर कर देना शेडो को हम यहाँ पर बदल लेंगे फिर से हम यहाँ पर पोजीशन को बढ़ाएंगे फिफ्टी यहाँ पर कर लेते हैं और ट्वेंटी यहाँ पर कर लेंगे यहाँ पर ज़्यादा होगा तो चलेगा और इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर इसके ऊपर बॉर्डर है रखना चाहो तो इस एड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आउटसाइड आपको रखना है इनसाइड नहीं आउटसाइड रखना है और कलर्स को आपको वाइट या पर जो भी आपको अच्छा लगे वही आपको कर लेना तो जैसे कि फर्स्ट वाला ऐसे बन जाएगा और तो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो तो हम वो ट्रांसफर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा इधर भी कर सकते हैं तो आपको ग्रुप में ही करना है इसको ऐसे नहीं करना आपको ग्रुप के अंदर एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर किया तो अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा जैसे कि हम एडिट ग्रुप पर क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करके इसको फोटो को स्वाइप कर लेंगे ऐसे तो ये एडजस्ट हो जाएगा फिर से हम ग्रुप छः पे क्लिक करेंगे सवाल में सेम प्रोसेस है एडिट ग्रुप पे क्लिक करना फ़ोटो को ऐड करना और सेप को सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को मर्ज कर लेना तो अपना ग्रुप बन जाएगा और उसके बाद आपको जो पहला यहाँ पर ग्रुप था ऐसे ही आपको इसके अंदर ही ऐड कर लेना और आपको लिरिक्स ऐसे टाइप कर लेना और इसके अंदर फिर से आपको यहाँ पर ग्रुप है वन पे क्लिक करना और यहाँ पर जैसे कि एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेना चैनल का लोगो ऐड करने के बाद है। और ऊपर ऊपर की तरफ हैप्पी नवरात्रि ऐड कर लेना तो यहाँ पर फिलहाल फिर से आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आप फोटो को ऐड कर यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो ग्रुप एन मास्क पे एडिट ग्रुप पे और यहाँ पर अपने फोटो को सिलेक्ट जो भी चेंज करना चाहो उस फ़ोटो को रख सकते हो और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर एक टैम्पलेट मिलेगा तो टैम्पलेट मैंने टेलीग्राम पर ऑन पहले से ही अपलोड किया हुआ है तो आप वो डाउनलोड करके इसके अंदर यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी कर सकते हो तो अपना वीडियो बन के रेडी हो चुका है तो आज के लिए इतना था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिवल ऑल द बेस्ट सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें